तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम अपने किसान के एक भिंडी के खेत में खड़े हुए हैं। ये भिंडी की फसल लगभग ख़त्म होने के कगार पर है, लेकिन इस समय किसान का कहना था कि इसमें गदहले ज़्यादा लग रहे हैं, तो उनके लिए हम दवा रिकमेंड किए थे, थाइमेथेक्सम और लम्बाडा साइलोथ्रेन। तो ये दवा का स्प्रे किया है, लगभग 4 घंटे हो गए हैं। तो हम आए थे निरीक्षण करने खेत में कि क्या कीड़े अभी मरे हैं या टहल रहे हैं। तो अभी भी कीड़े कुछ टहलते हुए नज़र आ रहे हैं फील्ड में, हम आपको दिखा रहे हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, एक कीड़ा नीचे गिर गया, टहलते हुए नज़र आ रहे हैं। और औसतन 1 से 2 दिन में कीड़े मर जाते हैं दवा पड़ने के बाद दोस्तों। और कुछ दवाएं होती हैं जिनसे कहा जाता है कि पहले ही 1 से 2 घंटे के अंदर वो मरना शुरू हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ कीड़े मरे हैं और कुछ पैरालाइज होकर पड़े हुए हैं। आइए हम देखते हैं, आपको दिखा रहे हैं। एक कीड़ा ये पड़ा हुआ है, ये यहाँ पर दिख रहे हैं, शायद मेरे ख्याल से ये पैरालाइज हो गया है ये कीड़ा। दूसरा कीड़ा ये भी है, ये कीड़ा देख रहे हैं आप, ये कीड़े जो हैं पैरालाइज हो चुके हैं और 1 से 2 दिन इनको लग जाएगा। नहीं, पैरालाइज नहीं हुआ, ये चल फिर रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इनको मरने में। अभी ये सुस्त नज़र आ रहे हैं, अब दवा काम कर रही है इनके ऊपर। इसका भी देख चेक करते हैं क्या ये जिंदा है या मर गया। ये भी जिंदा है, लेकिन दवा इनके ऊपर काम कर गई है, तो मरने में टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। कुछ इस तरीके से कीड़े लगे हुए हैं दोस्तों, यहाँ आप देख रहे हैं। जो आगे भी हम आपको दिखा रहे हैं, वो इसमें डोज को काफ़ी बढ़ाया गया है दोस्तों। लम्बाडा साइलोथ्रिन और जो थाइमेथेक्सम है, इसके डोज को बढ़ा दिया गया है यहाँ पर। आमतौर पर 1 ml प्रति लीटर रिकमेंडेड डोज है, लेकिन हमने यहाँ पर डोज को बढ़वाया था ताकि वो, इसलिए कि यहाँ पर कीटों का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा है। ये आप देख रहे हैं, एक एक पिंडी पर काफ़ी ज़्यादा कीट लगे हुए हैं, तो इसलिए हमने डोज को बढ़वा दिया था कि शायद इसमें से कुछ मर भी गए हैं। ये मर भी गया है, ये ऊपर वाला शायद मेरे ख्याल से मर गया है, ये भी मर, ये जिंदा है क्या, ये मर गया है, ये ऊपर वाला देखते हैं, ये नीचे वाला तो जिंदा है, और ये भी जिंदा है अभी। ये सब के सब कीट अभी ये नीचे देख रहे हैं, ये भी ख़त्म हो जाएंगे। हम दूसरे दिन भी आकर इसमें निरीक्षण करेंगे, डे बाय डे हम अपने जो किसान होते हैं उनके खेतों में जो हम दवा छुड़ाते हैं उसका निरीक्षण हम प्रॉपर करते रहते हैं और देखते रहते हैं कि दवा किस तरीके से काम कर रही है और कितनी कारगर है ये दवा जो छोड़ी गई है दवा। इन सब का हम निरीक्षण करते रहते हैं फील्ड में। तो दोस्तों, आप भी किसान हैं और चाहते हैं आपके फील्ड में भी इस तरीके की समस्या आ रही है, तो सलाह के लिए आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, जिससे आपको सही और सटीक जानकारी मिल सकती है, खेती से संबंधित जानकारी। और दवा आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप हमसे ऑनलाइन दवा भी मंगवा सकते हैं, हम स्पीड पोस्ट के ज़रिए दवा भिजवा देंगे। बस ये है कि आपको थोड़ा सा पहले दवा मंगवाना पड़ेगा, ऑर्डर करना पड़ेगा। तो ये भिंडी की फसल है दोस्तों, इसमें काफ़ी ज़्यादा सुंडी लगी हुई है, जिसको गदेला कहा जाता है, कैटरपिलर बोलते हैं। तो ये इनको ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और हम आगे देखते हैं कि कौन कौन सी दवाएं काम करेंगी। हमने एक दूसरे फार्मर को दिया है दूसरी दवा, बिनफेंथ्रिन 10% इसी दिया है, तो उसके फार्म में हम देख रहे हैं आगे चलकर कि क्या रिजल्ट आएगा। अब हम दूसरे दिन आकर देखेंगे इस फील्ड को। नमस्कार साथियों,
आज ये तीसरा दिन है हमारे ऑब्जर्विंग का। तो तीसरे दिन के ऑब्जर्विंग में पता चला है कि जो कीड़े हैं जो टहल रहे थे पहले दिन के दवाई छोड़ने पर, और कुछ मर गए थे, दूसरे दिन भी कुछ टहल रहे थे, लेकिन तीसरे दिन पर आपको कुछ मरे हुए दिखाई दिए हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पचक से गए हैं, ये देखिए एकदम से ख़त्म हो गए हैं ये कीड़े इस भिंडी की फसल में। तो दवा ने काम किया, लेकिन दवा जो होती है दोस्तों वो तुरंत नहीं काम करती है, धीरे धीरे काम करती है। जब तक ये खूब खाते हैं, जब ये खूब खा लेते हैं, ये देखिए कीड़ा और ये भी मरा पड़ा हुआ है, तो जब ये खूब खा लेते हैं दवा जिसमें पड़ी रहती है तब ये इनके अंदर जाती है, तो ये डाइजेस्ट, इनका पूरा डाइजेशन सिस्टम जो है वो ख़राब कर देती है ये दवा। तो जब ये दवा डाइजेशन सिस्टम ख़राब कर देती है, ये कुछ खा नहीं पाते हैं, ख़राब जाते हैं, इनका शरीर फट जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये शरीर फट गया है इनका। तो ये इसी तरीके से मर जाते हैं धीरे धीरे से। और अभी देखिए ये कीड़ा जो है पीला पड़ गया है खा करके, ये जो खा रहा चल रहा है इसके नीचे, ये देखिए ये कीड़ा, ये भी कीड़ा मर जाएगा धीरे धीरे, फिर इसका भी शरीर ख़त्म हो रहा है। तो किसान भाइयों, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कीड़े मरे नहीं हैं। आप अगर तुरंत मारने वाली दवा डालेंगे तो हो सकता है आपकी फसल बर्न कर जाए या जल जाए, तो इसमें नुकसान आपका ही होगा। इसलिए आप थोड़ा सा इंतज़ार करके 3 दिन तक आपको देखना है कि आपके फील्ड में कीड़े मर रहे हैं या नहीं मर रहे हैं। अगर 3 से 4 दिन बाद कुछ कीड़े बच जा रहे हैं तब आपको यहाँ पर दोबारा से अप्लाई करना है। 4थे या 5वें दिन आपको हल्की दवा कोई स्प्रे करना है जो किल कर दे, जो इसके पौधे पर हार्मफुल ना हो। तो आपको इस तरीके से दवा का स्प्रे करना है यहाँ पर। तो दोस्तों फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अपने फिर से अगले दिन नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।